अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम जनाब आपके रूहानी मसाइल का, आपके मसाइल और उनका रूहानी हल। और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 से 10:30 के दरमियान। इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते भी हैं कि हम आपके जो रूहानी मसाइल हैं उस पर गुफ्तगू करते हैं, आपके जो भी मैसेजेस हैं या ईमेल के ज़रिए आप हमें मसाइल के निशानदेही करते हैं, हम उस पर गुफ्तगू कर रहे होते हैं। इस प्रोग्राम के दो मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं, सदीक बरकाती साहब जो कि खलीफा हैं सिलसिला बरकातिया के, और निजम खान जो कि मज़हबी इस्कॉलर हैं। और हर प्रोग्राम का एक मौजू होता है और उस पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं कि जनाब क्या हमारा मौजू है प्रोग्राम का, उस हवाले से। तो उस पर हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं और आप से हम बातें भी कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं आपको कि भाई क्या प्रोग्राम है और उसका क्या करना है, किस तरीके से इस मसले का हल है। आज का जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो आज हमारा टॉपिक है कि मर्द की जो कामयाबी है उसके पीछे औरत का क्या किरदार होता है, ये एक बहुत अहम कहिए मसला है। और इसमें अक्सर आपने सुना होगा कि कोई भी मर्द अगर कामयाबी की बुलंदियों को छूता है या पहुंचता है तो कहता है कि इसमें मेरी माँ का हाथ है या मेरी बीवी का हाथ है या मेरी बहन का हाथ है, पर है किसी औरत का हाथ। तो इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे मौजूद दोनों मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियो में, और पहले हम चलेंगे सिद्दीक बरकाती साहब की जानिब और उनसे जानेंगे कि वो बताएं कि एक मर्द को कामयाब बनाने में या उसकी कामयाबी में औरत का क्या किरदार होता है, चाहे वो माँ की शक्ल में हो, बीवी की शक्ल में हो, बहन की शक्ल में हो, बेटी की शक्ल में हो, उसका क्या किरदार होता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सिद्दीक बरकाती साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, आप आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जनाब अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सिद्दीक भाई, क्या किरदार है औरत का इस माशरे में? कहा जाता है कि मर्द अगर कामयाब है तो औरत का जो है ना उसकी बड़ी अहम उसका रोल है इसके पीछे। क्या किसी ने खूब जुमला कहा है कि औरत किसी भी रूप में हो वो दिल के करीब है। अच्छा, इसलिए कि आदम की बाएं पसली से औरत को निकाला गया और अच्छा। बाएं तरफ जो है वो दिल होता है। तो औरत जिस रूप में भी है वो दिल के करीब है, माँ बहन बेटी बीवी जो भी रूप है औरत के वो दिल के करीब है। सही। अब बात हम यहाँ कर रहे हैं आदमी की कामयाबी की। आदमी अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ओरिजिनली बेसिकली और प्रैक्टिकली जो है ना वो शादी के बाद ही आता है। माँ की दुआएं तो बचपन ही से, औलाद जब पैदा होती है जब से ही माँ बच्चे को दुआएं देती रहती है, औलाद की कामयाबी की दुआएं करती रहती है, बहन का रिश्ता भी भाई के साथ बचपन ही से एक दोस्ताना रिश्ता होता है, अच्छा रिश्ता होता है। असल रिश्ता जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ में बीवी का है जी। बीवी के आने के बाद जो है वो असल लाइफ शुरू होती है मर्द की। अच्छा। अब मर्द को सिर्फ अपने लिए नहीं कमाना, अपने बीवी बच्चों के लिए कमाना है। सही। अब इसमें होता ये है, हमारे यहाँ आमतौर पर 99% अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा शायद, 99% घरों में ये माहौल है कि सास बहू के झगड़े, नन भावच के झगड़े और भाभियों के आपस के देवरानी जेठानियों के झगड़े, इन झगड़ों को लेकर ख्वातीन अपने शौहर को इतना डिस्टर्ब करती हैं, इतना ज्यादा मेंटली टॉर्चर करती हैं कि वो मर्द जो है अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, अपने कामकाज के ऊपर, अपनी मजदूरी के ऊपर फोकस नहीं कर पाता। सही बात। इस वजह से वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कामयाब नहीं हो पाता। सही। जो भी लोग, जो भी मर्द हजरात लाइफ में कामयाबी की मंजिलों तक पहुंचते हैं जी। उनके पीछे उनकी समझदार खवातीन का हाथ होता है। सही। जो कि बहुत समझदार होती है। मुझे याद है कि हमारे उस्ताद मोहतरम क़िबला महमूद बरकाती साहब फरमाते थे कि पहले की ख्वातीन जो हैं वो अपनी जो है बहू और सास में जो झगड़ा होता था सारा दिन, उन झगड़ों को लेकर शाम के वक्त जो है वो सास कहती थी
अपनी बहू से कि भाई जो भी हुआ है दिन भर में उसको भूल जाओ, सही और मेरे बेटे को बिल्कुल भी तंग नहीं करना। सही जो हुआ हम दोनों के दरमियान हुआ, जी हमारी कोई बात जो है मेरे बेटे तक तुम्हारे शोहर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सही तो वो समझदार खवातीन थी, समझ जाती थी, और जैसे ही उनके हस्बैंड आते थे बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करती थी, मुस्कुराती थी, जी ताकि सारे दिन की थकन जो है वो सारी थकन जो था शोहर जो है अपनी जोजा की शक्ल देखकर, चेहरा देखकर, मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर सारी थकन भूल जाता था, सही बात, और आगे के लिए कल के लिए बिल्कुल तरोताजा होकर वो जाता था जॉब पर, दुकान पर, कारोबार पर, नौकरी पर, मजदूरी पर। जी अब होता यह है कि जैसे ही शोहर घर आता है, खवातीन जो ना समझ है वो अपने मसाइल को लेकर रोना धोना मचा देती हैं, सही वो है, शोहर बेचारा वैसे ही पुल सिरात पर होता है शादी के बाद। तो माँ की सही सुने या बीवी की सुने, सही माँ बात, की सुनता है तो बीवी कहती है तुम माँ की गोद में बैठे रहते हो, सही बीवी की सुनता है तो माँ कहती है तुम जोरू के गुलाम हो। तो सही बात, बेचारा दो धारी तलवार के बीच में वैसे ही वो कटा हुआ होता है। सही तो बात, उस पर फिर जौजा भी अगर साथ ना देना तो फिर इंसान कामयाब नहीं हो सका। सही बात है, सही बात है। अच्छा, एक बड़ा मेरे जहन में एक सवाल आया, यकीन हो सकता है और लोग भी सोचते हो। अगर देखा जाए, आपने जैसे कहा कि बीवी जो है उसका किरदार ज्यादा है, लेकिन मैं बाजार अगर मेरी अपनी बात करूं तो मेरे जहन में यह है कि मेरा ख्याल है कि माँ का किरदार इसलिए ज्यादा होता है कि वो उसको दुनिया में लाने का बायस और उसको उस गोद से लेकर और चलने तक का सफर है उसका, जो पढ़ने तक का जो सफर है उसके अंदर जो उसका किरदार है, उसके बाद वो कामयाबी हासिल कर सकता है। जी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वो मैंने आपसे अर्ज किया ना कि माँ की तो फितरत ये है कि बच्चा चाहे कितना ही नालायक क्यों ना हो, कई माएं हमने ऐसी भी देखी कि बच्चे नाफरमान हैं। आज थोड़े दिन पहले ही मेरी दुकान पर एक खातून आती हैं जी इंटीरियर से, और वो अच्छा, मुझे कहती हैं कि मेरा बच्चा जो है वो जवान है लेकिन काम नहीं करता, नौकरी नहीं करता, मुझे कमाने के निकलना पड़ता है। वो सूट ओहो लेने के लिए आई थी मेरी दुकान पर, सही, और वो घर में जाके बेचती थी, फेरी करती थी, घर घर जाके वो बेचा करती थी। सही, लेकिन उस खातून के मुंह से अपनी औलाद के लिए बद्दुआ नहीं निकली, क्या उसने बात, आखिर तक यही कहा कि अल्लाह उसको हिदायत दे, अल्लाह उसको हिदायत दे। तो माँ की दुआएं, तो उसमें कोई शक ही नहीं है कि माँ की फितरत, तो माँ की दुआ तो ऐसी चीज है जो इंसान को सांस लेने में ही मदद दे रही है। अगर सही माँ नाराज हो जाती है तो सांस आना तो मुश्किल, सांस निकलना भी मुश्किल हो जाता है। सही जैसा बात, कि सही एक बात, सहाबी रसूल का वाक्य आपने सुना होगा, उनकी वालदा नाराज हो गई थी तो उनकी अच्छा, रूह भी परवाज नहीं हो रही थी, हाँ, कलमा मुंह से नहीं निकल रहा था। सही, तो थे तो सहाबी, जान जा नहीं सकते, कलमा तो पढ़ना ही था लेकिन कलमा जबान से निकल नहीं रहा था तो रूह भी नहीं निकल रही थी। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी माँ को बुलाया जाए। माँ को बुलाया तो माँ ने कहा नहीं मैं से बहुत नाराज हूँ, मैं नहीं माफ कर सकती इसको, इसने अच्छा अपनी बीवी के सामने मुझे जलील किया था, अच्छा मैं नहीं माफ करती। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया कि लकड़ियां लाओ जलाओ। तो माँ ने कहा क्या कह रहे हैं आप, आपको आग में जलाएंगे, आप माफ नहीं करती हैं, इसकी रूह निकलती है तो इसको हम जला देंगे। तो अब सही, माँ का कलेजा तड़प गया, माँ ने कहा नहीं 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 ऐसा नहीं करना, मेरे बेटे को जलाना, मैं अपने बेटे को जलता हुआ नहीं दे सकती, मैंने इसको माफ किया, मैंने इसको माफ किया। जैसे ही माँ ने माफ किया, वहां उनका कलमा उनकी जबान से निकला और रूह का पसर उस तरह से परवाज कर गई। तो वाह, माँ, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि इंसान के चलने फिरने में, उठने बैठने में, बोलने में, देखने में, सुनने में, सब में माँ के एहसानात तो है ही, सही जिसको हम चुका ही नहीं सके, इसमें सही तो बात, कोई शक नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो कामयाबी है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो इंसान मंजिल बा मंजिल, मंजिल बाद ऊपर चलता रहता है, जाता रहता है, जी उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो उसकी जौजा का होता है। जौजा का साथ हो, अच्छी बीवी साथ हो, दोस्त बीवी साथ हो, जो उसकी दुख दर्द को समझे, उसकी सही बातों को समझे, उसका साथ दे इन सही, चीजों में, कि यार मेरा अगर शोहर डिस्टर्ब है तो उसे रिलैक्स कर दे, को मशवरा चाहिए तो मशवरा दे दे, सही और डिस्टर्ब ना करे। अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती, अच्छा मशवरा नहीं दे सकती, जी या साथ नहीं दे सकती, या दोस्त नहीं बन सकती, तो दुश्मन ना बने कम से कम, सही सही। अच्छा, तो चूंकि इंसान कामयाब हो सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि सिद्दीक भाई को कहीं जाना है जरूरी काम से, सिद्दीक भाई आखिर में सिर्फ आपका थोड़ा सा एक 2 मिनट और चाहिए कि आप क्या कहेंगे खवातीन को, क्योंकि जिस तरह का इस वक्त इन्वायरमेंट है, जिस तरह का माहौल है, जिस तरह की परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं, आप क्या पैगाम देंगे खासतौर पर खवातीन को, चाहे वो बीवी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो माँ है, चाहे कोई और रिश्ता है, क्या कहेंगे?
भाई माँ है, बहन है और बेटी है। ये तो बेटी तो अपने बाप के लिए हर वक्त माशाल्लाह बाजू बिस्ता करी रहती है, दुआएं करती रहती है। सही।